शौचालय और आवास के नाम पर की गई वसूली। एक तरफ तो सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने को लेकर रात दिन एक करने में लगी हुई है, तो वहीं भ्रष्ट ग्राम प्रधान और सचिव खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मामला ब्लॉक छजलेट के गांव सदरपुर मतलबपुर का है। यहां के रास्ते आज भी कीचड़ और जल भराव से गंदगी से देखने को मिल रहे हैं। ग्रामीणों को निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रामवासियों को निकलने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं महिला दैनिया देवी का कहना है कि जब मेरा आवास बना तो प्रधान ने मुझसे 15,000 रुपए लिए थे। क्या नाम है आपका? नरेनिया। नरेनिया, क्या कोई आपको कॉलोनी वगैरह मिली है? हाँ, तो कॉलोनी का नाम पर पैसे तो नहीं दिया किसी को? जी पैसे लिए हैं। कितने? 15,000 रुपये लिए। किसने लिए? प्रधान ने लिए 15,000 रुपये। वही रामपाल का कहना है कि प्रधान ने मुझसे कहा था कि आप मुझे 15,000 रुपये दोगे तो मैं आपका आवास बनवा दूंगा। एप्लीकेशन मंगल दिवस में दीजिए और कम से कम 100 बार प्रधान जी के यहाँ गए जी, उनसे कहते हैं दबंगापन दिखा दें। दबंगापन किस तरह से दिखाते हैं? मतलब एक बदमाशी टाइप, बदमाशी टाइप दिखाते हैं यहाँ पर। मतलब गरीबों की कोई सुनवाई है नहीं? यहाँ नहीं है साहब जी, ये हमारी माता बहनें परेशान होती हैं आने जाने में। अच्छा, मतलब उनका कहना यह है कि आप लोगों ने यहाँ वोट नहीं दिया इसलिए उन्होंने यहाँ काम नहीं करवाया, वो केवल अपने वोटरों का काम कर रहे हैं। वो अपने हैं काम करा रहे हैं। 3 साल हो गए मगर आज तक ना ही आवास बना है और ना ही मुझे मेरे पैसे लौटाए गए हैं। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि शौचालय के नाम पर प्रधान ने 2,000 रुपए की मांग की थी, जिसने 2,000 रुपए दिए उनका शौचालय बनाया गया। प्रधान ने तो ऐसी तैसी मरवा रखी, प्रधान ने तो कुछ भी ना करा, 6 साल हो गए। तो प्रधान तो कहा नहीं आपने कुछ कर? बतेरी कही है प्रधान से, नाली भी ऐसी बनाई जो मन उधड़ी पड़ी सारी। अच्छा, देखे जाके उधड़ गयी। यहाँ के प्रधान नियमों को ताक पर रखकर योगी सरकार को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। अब देखना यह है कि उच्च अधिकारी इस पर क्या कार्यवाही करते हैं।